हम वैदिक परंपरा के संवाहक हैं। वैदिक परंपरा में वेद को अपौरुषीय माना जाता है। वेद का निर्माण किसी ने नहीं किया, वो परमात्मा द्वारा प्रदत्त वाणी है, इसीलिए वेद को स्वतः प्रमाण भी माना जाता है। बाकी ग्रंथ और शास्त्र को प्रमाणित करने के लिए अन्य शास्त्र और ग्रंथ की आवश्यकता पड़ सकती है, परंतु वेद को प्रमाणित करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वतः प्रमाण है। इसलिए संसार के अंदर जितने भी विधाएं और विद्याएं हैं, जो वेद के अनुकूल है वो सही है, जो वेद के प्रतिकूल है वो सही नहीं है, ऐसा माना जाता है। जब प्राचीन काल में मात्र वेद ही होते थे, श्रुति परंपरा से वर्षों सदियों तक वो परंपराएं चलती रही, उसके बाद में वेद के बाद में फिर उपवेद बनाए गए, जब मनुष्य की जो क्षमताएं हैं वो जो क्षण हुई, उसके बाद में फिर वेद के 6 अंग बनाए गए, उनमें से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 अंग कहलाए गए हैं। उसमें ज्योतिष भी महत्वपूर्ण है। सत्य बात है कि शास्त्र में जो वृत्त रत्नाकर हैं उन्होंने वो लिखते हैं स्वयं, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांग मदित्ते व ब्रह्मलोके महीयते। ये रत्नाकर का वाक्य है कि यदि आपको परमात्मा की भी प्राप्ति करनी हो तो बोले ज्योतिष भी चाहिए। तो इसीलिए ज्योतिष का निषेध नहीं है, विद्या और विद्वान का हमेशा सम्मान होना चाहिए, और हम भारतीय संस्कृति के उपासक हैं, उसके सेवक हैं, तो हम कैसे हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा के संवाहक और ध्वजन हैं उनका कैसे हम असम्मान कर सकते हैं, तो कदापि नहीं। अगली बात यही कि इसीलिए इसको वेद में और कई जगह पर है, मैं एक दो लेकर आया था, ज्योतिषम नयनम विदुः करके अन्यत्र भी लिखा है कि ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, वेद के अंग के अंतर्गत ज्योतिष को लिया गया है, परंतु वेद के अंदर भी ज्योतिष की बात आती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ऋग्वेद के अंदर देखिए, ये तो ये दुनिया में सभी लोग मानते हैं कि चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई इतर किसी भी मतपंथ संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति हो, वह व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि दुनिया की लाइब्रेरी में सबसे प्राचीन यदि कोई ग्रंथ है तो वह ऋग्वेद है। इसमें कोई भी किसी तरह से विवाद नहीं है। और जो प्राचीन ग्रंथ होने से इसमें विवाद हो सकता है कि मनुष्य की सृष्टि कब से शुरू हुई, या सृष्टि में कोई चार्ल्स डार्विन को मानता है, कोई वैदिक परंपरा को मानता है, कोई इतर परंपराओं को मानता है, इसमें भेद हो सकता है, परंतु इसमें किसी भी तरह से कोई मतभेद नहीं है कि हमारी इस दुनिया की लाइब्रेरी में लिखित रूप में सबसे प्राचीन कोई ग्रंथ है तो ये ऋग्वेद है। और उसी ऋग्वेद के अंदर अभी तक भी इस्लाम और क्रिश्चियन इन लोगों में तो आप देखेंगे कि अभी भी पृथ्वी किसी की चिपटी है, किसी की लंबी है, किसी की आड़ी तिरछी है। हमारे तो शास्त्र में हम कहते हैं भूगोल, खगोल, तो धरती भी गोल है, आकाश भी गोल है, ये तो शब्दों में ही सन्निहित है। ये हमारे शास्त्र की और हमारे ऋषियों की वह देन थी, उस विधा की एक तरह से गहराई में और उसके सब पदार्थों का जो साक्षात्कार करने की जो उनकी क्षमताएं थी उसका कारण यह था। और इसी में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है, आप्रा रजांसि दिव्यानि पार्थिवा श्लोकम देवः कृणुते स्वाय धर्मणे। सीधा सीधा से लिखा हुआ है कि ये जो पृथ्वी का आकार है वो वर्तुलाकार है और यह अपने आप हवा में स्वतंत्र रूप से विद्यमान है, यानी किसी का कोई टेका, कोई आधार नहीं दिया गया है, यह ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है। यानी ज्योतिष की विद्या की यदि आप बात करते हैं तो ऋग्वेद से ही यह प्रारंभ होता है, मैंने आपको एक उदाहरण के साथ में समझाया। इसी तरह से कि यह इसमें एक और गहरी बात ऋग्वेद के अंदर है, वह है यह कि सूर्य का मार्ग का पृथ्वी की भूमध्य रेखा तथा धुरी के संबंध में जो वर्णन है, उन तीनों चीज़ों को जोड़ करके उसके संदर्भ में भी ऋग्वेद के अंदर वर्णन है। उसके अंदर वो लिखते हैं कि सौंधन वनाशश्च चरितस्य भूमनागच्छतः सवितुर दाशुषो गृहम, ऐसा करके यह भी ऋग्वेद के अंदर है। और यजुर्वेद के अंदर भी आयम गोहु प्रश्न, इस तरह से करके पूरी पृथ्वी चंद्रलोक आदि की जो परिधि में जो भ्रमण करते हैं, अपने अपने परिधि में घूमते हैं, ऐसा यजुर्वेद में भी लिखा हुआ है। मैं इसलिए इस वेद वाक्य को प्रमाण कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा कि वेद स्वतः प्रमाण है, उसको प्रमाणित करने के लिए दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने ज्योतिष के संदर्भ में जो स्वतः प्रमाण है उन प्रमाणों को आपके सामने रखने का प्रयास किया।
तो ये तो बात है कि ज्योतिष की बात, क्योंकि ज्योतिष को हम वेद शास्त्र के अंदर ही ये सारी शिक्षा ग्रहण है, तो फिर वेद के जो मुख व्याकरण है, तो इसी तरह से जो नेत्र कहा गया, तो इसी तरह से ज्योतिष एक महत्वपूर्ण पाठ है। बात यह है कि ज्योतिष स्वीकार्य है अस्वीकार्य है, कहानी यह नहीं है। कहानी यह है कि जो विधाएं हैं, जो परंपराएं हैं, क्षमा करिएगा हम आपसे पृथक नहीं हैं, पर कुछ बातें थोड़ी सी हैं। जब हमने योग को प्रारंभ किया, कभी किसी ने नहीं सोचा था 20-25 वर्ष पहले कि योग इतने व्यापकता से उसको जनमानस में स्वीकार्यता मिल जाएगी। योग या तो ऐसा माना जाता था कि हिमालय में कंदराओं में गुफाओं में रहने वाले साधु महात्माओं का, उन लोगों के लिए योग है, या फिर थोड़ा सा उधर से निकल गया तो महलों में अट्टालिकाओं में फैशन में थोड़ा गया, वहां पर योग योगा हो गया कि जो पैसे वाले सेठ सेठानियों के लिए कि क्या कर रहे, बोले योगा कर रहे हैं, वो योगा करवाने वालों को भी पता नहीं, करने वालों को भी पता नहीं। तो वहां से उस योग को निकाल करके एक आम जनमानस तक लेकर के जब उस यात्रा को शुरू किया गया, तो उसके बाद में ऐसा नहीं है कि योग को सब लोगों ने इस तरह से स्वीकार किया। आप सब लोग उसके साक्षी हैं कि प्रारंभ में तथाकथित जो योग या योग के इस तरह के जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने भी उसका विरोध किया कि योग तो एकांत में करने की चीज़ है, योग तो ए 1-to-1 करने की चीज़ है, कहीं भीड़ में योग होती है, कहीं ग्रुप में योग होता है क्या, इस तरह की बातें खूब की गई। वो लंबी यात्रा आप जानते हैं, मॉडर्न मेडिसिन के कुछ लोग थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये जो लोग खड़े होकर के कहते हैं कि योग से ये लाभ होता है, तो संभवतः वो तो लोग अपने भाड़े के होंगे, पैसे दे करके खड़े किए गए होंगे। इस तरह की बात जब देखा कि उनके रिश्तेदार परिवार जानने वाले या बड़े बड़े अधिकारी उद्योगपति खड़े होकर के जब ये बात करने लगे, तो उनको लगा कि नहीं, बात में कहीं दम है, तो इस तरह से उसकी स्वीकार्यता बढ़ी। इसी तरह से फिर अब जाकर के अब उस स्वीकार्यता के कारण से अब योग के ऊपर आज गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, पाठ्यक्रम भी बन रहे हैं और कॉलेजेस में भी शुरू हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में योग सिलेबस शुरू हो रहा है, रिसर्चेस भी हो रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, पतंजलि योग सिर्फ मासेज में नहीं करता है, आज हम दुनिया के वैश्विक स्तर पर यदि जितना भी रिसर्च वर्क हो रहा है, जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में जो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होते हैं, उसमें लगभग 10% कंट्रीब्यूशन पतंजलि योगपीठ का है। आज अनुसंधान में भी मैं प्रामाणिकता, करीबन 200 से ज़्यादा बड़े टॉप लेवल के जर्नल्स में हमारे आर्टिकल पब्लिश हैं, लगभग पबमेड लेवल के ऊपर ऊपर होंगे 200 के लगभग पेपर। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। फिर इसी तरह से मैं दूसरी विधाओं पर आता हूँ। ये तो योग की बात हो गई, हालांकि योग आज भी यदि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमें शर्म आती है जब उनकी योग की कक्षाओं को, योग की विधाओं को बताने की शैली को और ढंग को देखते हैं। वो योग से कोई लेना देना नहीं होता है। इवन विदेशों में तो यदि बात करें तो कोई बोतल पी करके योगा करने वाला योग भी चल रहा है, नंगे होकर के करने वाला भी योग चल रहा है। तो आप यदि हम उसका विरोध करें तो आप क्या कहोगे, कि योग का विरोध कहेंगे कि उस नंगेपन का विरोध कहेंगे आप? इसी तरह से मैं वहीं पर आना चाहता हूँ जहाँ आप मेरे को लाना चाहते हो। बात यह है कि आज, क्षमा करिएगा, भागवत कथा करने वालों की फौज को देख करके जो विद्या विलासी होगा, जिसने भागवत का गहन अध्ययन किया होगा, जो विद्वान होगा, वो बेचारा बैठ करके रोता होगा, क्योंकि उन्होंने उस विधा को, उस परंपरा को ऐसा माहौल बना दिया। भागवत को छोड़कर के सारी कथा कर जाते हैं, बोले भागवत कथा कर रहे थे। मैं सही बता रहा हूं बात। अब आइए फिर यहीं ज्योतिष पर मैं आता हूं। ज्योतिष के अंदर आप जितने भी बैठे हुए जो विद्वान है, जो पूजनीय सम्माननीय हमेशा वंदनीय है, मैं आयुर्वेद और ज्योतिष को मैं पृथक नहीं मानता हूं, समान मानते हुए एक दो बातें आपको बताना चाहता हूं। यदि मैं हमेशा कहता हूं, कोई मेरे पास आए, ये ज्योतिष के लिए भी समझ लेना, कोई मेरे पास पेशेंट आता है तो वो आकर कहता है, आचार्य जी मैंने तो ये भी दवाई खाई आयुर्वेद की, ये भी खा ली, ये भी खा ली, ये भी खा ली, वो गिनाने लग जाते हैं लोग। कई रोगी ऐसे होते हैं, हम उनको कहते हैं कि तुम ये मत कहना कि मैंने आयुर्वेद की पूरी चिकित्सा करी, आप ये कहना मैंने उस व्यक्ति की या उस संस्था की चिकित्सा की। ज्योतिष में भी वही बात है कि गया था उस ज्योतिषी के पास, उसने यूं यूं अंड बंड, भाई तुम उसके पास गया था तो ज्योतिष के पास नहीं गया था, उसके पास जितनी विधा है उतने के पास गया था। तो क्योंकि यह जो हमारी विधाएं हैं ये बहुत गहरी हैं, और यदि मैं आयुर्वेद की बात करूं,
इतना कुछ करने के बाद में भी मैं यह मानता हूं कि मैं उस आयुर्वेद की विधा में समुद्र के किनारे खेलने वाला एक बच्चा से ज्यादा मैं अपने आप को नहीं मानता। इतनी अनंत विद्याएं हैं, उसकी गहराई अनंत है, उसके बाद हम एक किनारे पर खेलते हुए हम कैसे कह सकते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूं कि यदि तुम मेरे पास आकर के ठीक ना हो जाओ तो ये कहना कि आचार्य जी से ठीक ना हो पाया, पर कभी ये मत कहना कि मैं आयुर्वेद से ठीक नहीं हो पाया। नॉलेज मेरा कम है भाई, विद्या में सामर्थ्य में कमी नहीं है। इसी तरह से ज्योतिष की बात, देखिए ज्योतिष का काम क्या है यदि आप मुझसे पूछें, ज्योतिष के बिना तो एक पल भी, एक क्षण भी, जितने भी है हमारे यहाँ जो खगोल भूगोल, जितने भी जो ग्रह नक्षत्र, जितने भी विधाएं और विद्याएं थी हैं दुनिया में, आज जाकर के पश्चिमी देश थोड़े बहुत अपने आप को जो है ना एडवांस समझते हैं। जब वो जंगली थे तब हमारे पूर्वज जो है वो चंद्र तारे और खगोल और भूगोल के ग्रह नक्षत्रों की विधाओं की बात करते थे। तो हम तो उन परंपरा के, उस ऋषि परंपरा के, उस गौरवशाली परंपरा के हम सब लोग संवाहक हैं, तो उतनी वो गहरी और वो, तो ज्योतिष का क्या काम है? ज्योतिष का काम यदि आप मुझसे पूछते हो तो मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि ज्योतिष का काम वस्तुतः जीवन को सुखी बनाने का काम ज्योतिष का काम, जीवन को कंफर्ट बनाने का काम ज्योतिष का काम है। मैं ऐसे आपसे पूछता हूं, आपके पास कोई आता है तो ये आप स्वयं सोचिएगा, हम उसके जीवन को कंफर्ट बनाने के लिए कितना समय लगाते हैं और उसको भय दिखाने के लिए कितना समय व्यतीत करते हैं। हाँ, मेडिसिन प्रोफेशन में भी सेम हो रहा है, दोनों जगह में आता हूं, चिकित्सा में भी। डॉक्टर के पास जाएगा कोई, जब तक उसको भयानक रोग नहीं बताएगा वो डरेगा नहीं तो उसका आगे पीछे कैसे घूमेगा। मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूं, क्षमा करिएगा, कि विधा विद्या परंपरा कहां बदनाम होती है। इसी तरह से वहां आ जाए तो फिर वहां से एक और भय शुरू हो जाता है, एक डर शुरू होता है। अरे शांति करना हमारा काम है, मैं तो कहता हूं मेरे पास कोई रोग आता कि कैंसर का लास्ट स्टेज का भी हो, गुरुजी बच जाऊंगा, मैं कहता हूं देखो आराम होगा और भय से मत मरो, मृत्यु जब आनी होगी आएगी पर तुम डर से मत मरो, प्रयास करो, उपाय करो, हम पॉजिटिवली उसको मोटिवेट करें, उसको समझाएं, उसको प्रेरित करें, पर उसमें हमारी जो भावना है, मैं आप पूरी प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में जितने भी डायग्नोसिस सेंटर खुले हुए हैं, जितने भी डायग्नोसिस, जितने भी परीक्षण और परीक्षाएं कराई जाती हैं, 99% कमीशन पर चलता है, 99% वहां तो वो विकृति है। या ऐसा नहीं कि देखो निंदा करने से हमको कोई गौरव और गर्व की बात होती है, बात यह है कि विकृतियां कहीं पर भी हैं वो अच्छी नहीं होती है, बस बात इतनी ही है। ज्योतिष के अंदर में जो एक आज आप देखेंगे, मैं बहुतों को जानता हूं, हमारा ये तो उपांग है, वेदों का अंग है, हम उसको कभी भी निषेध नहीं कर सकते, पर बात यह है कि हमारा ज्ञान कितना गहरा है। जब हमारा ज्ञान का स्तर उस लेवल पर नहीं है तो उससे उस विधा की हानि होती है, वहां व्यक्ति की वजह से हानि होती है। इसको रोकने का कार्य भी उस परंपरा में, विधा में जो दक्ष लोग हैं उनको करना का प्रयास करना चाहिए। आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, आपकी अच्छी चीजें हो सकती हैं, आपको नॉलेज हो सकता है, पर उन गड़ंगियों को कौन रोकेगा? तो उन गड़ंगियों को रोकने के चक्कर में कभी कभी अच्छे वाले भी थोड़े बहुत लपेटे में आ जाते हैं, स्वामी जी की इतनी ही बात है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। आपको लगता है कि बाबा जी, अच्छा एक बात बताओ, मैं छोटी सी बात कहता हूं, बुरा मत मानिएगा, हरिद्वार में पिछले कुंभ से पहले, कोई 15 साल से पहले एक शनि मंदिर नहीं था, एक नहीं था, क्या सबका शनि बिगड़ा हुआ था? मैं सीधा आपसे पूछता हूं। और आज सबसे इजी है शनि मंदिर बनाना, क्योंकि छत भी नहीं डालना, ले जाकर के टेक दो, पतंजलि के ठीक सामने भी टेक दिया, और जिसने बना रखा पंडित जी को मैं जानता हूं, बोले आचार्य जी इसमें खर्चा तो कुछ है ही नहीं, बोले इनकम ही इनकम है। तो अब बात यह है, अब मैं वहां पर नहीं जाता हूं कि वो चढ़ा उतरा कितना, उतरा कितना चढ़ा, पर इतना तो मेरी ज्योतिष विद्या हुई, मेरी परंपरा बदनाम हुई, मेरे शास्त्र बदनाम हुए, तो हमारा काम नहीं कि हम उसको रोकें, कौन रोकेगा? अच्छा हम थोड़ा सा कहें तो विरोधी आंख मूंदे,
तो फिर तो विद्या का नाश होगा। तो हमको जागरूक भी होना होगा, हमको चेतन भी होना होगा वहां पर। हाँ, विद्या की मर्यादाओं की, वैज्ञानिकता का कहीं कोई आँच आ जाए तो हमको रोकना भी होगा। मैं एक बात आज बोल देता हूँ कि एक वैदिक ज्योतिष महासम्मेलन पतंजलि में रख देते हैं पहले। आप सुनाओ ना, वहीं कर देते हैं। वैदिक ज्योतिष का तात्पर्य है कि वहां पर उस ज्योतिष के वैज्ञानिकता और उस विधा को आप स्थापित करें, हम अपने विधा को स्थापित करें। और जो लोग उस विधा पर कहीं कुठारा, दो तरह से कुठारा घात होती है, कि विधा के रूप में कभी भी उस प्रामाणिकता को हम कहीं मना करते हैं, कि आयुर्वेद की, जैसे आपने कही आयुर्वेद के अंदर तो कि इस बार इतने पुष्प खिले हैं, इस बार इतने फल आ रहे हैं पौधों में, उसके आधार पर ये कैसा वातावरण रहेगा, कैसे मनुष्यों की स्थितियां रहेगी, इसका वर्णन भी आयुर्वेद के अंदर है। काल में ही सब कुछ समाहित है, उस काल की जो गणना तो ज्योतिष करता है, इसलिए उस काल की गणना करने वाला तो काल के सबसे नजदीक हुआ ना। इसलिए मृत्यु के रहस्य को जानना हो तो ज्योतिष से ही सारी चीजें शुरू होती है। अब मैं आपको एक, बहुत सारे लोगों को जानता हूं, क्षमा करिएगा, मेरे पास सब जुड़े हुए आते रहते हैं। अब मैं बताऊं छोटी सी बात, उसको कैसे भी आपको लेना है ले लीजिएगा, मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं। पतंजलि योगपीठ फेज वन में हम बैठते हैं तो दो चार लोग आए, अच्छा जी आपका ये बहुत ठीक से बना हुआ है, ये इधर ये ठीक बना, इधर ये बना हुआ, इधर ये बना हुआ, इसलिए उन्नति हो रही है। हाँ, बहुत प्रशंसा हो गई, मैं सुनता रहा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, जब पंगे शुरू हो गए गवर्नमेंट के साथ, मैंने पूरा दबा करके पंगा लिया पिछले गवर्नमेंट से, केस मुकदमे हुए, धे धनाधन पंगे और मुसीबतें शुरू हो गई। फिर दो चार आने वाले कि आचार्य जी ये इधर गलत बना हुआ है, उधर गलत बना हुआ है, उधर गलत बना हुआ है। तो आप में से एक तो झूठा था ही था, या तो पहले वाला झूठा था या बाद वाला झूठा है। तो विद्या बदनाम होती है, समस्या वो है मेरे भाई। मेरे पास एक बहुत बड़े दिल्ली में रहते हैं सज्जन आते हैं, बोला उधर का दरवाजा तोड़ दो, उधर का खिड़की जोड़ दो। तो मैंने कहा ऐसा क्यों करती हो आप, दूसरा उपाय नहीं है? खैर आचार्य जी समझ लो, जिसने जितना बड़ा तुड़वाया वो उतना बड़ा सिद्ध। यदि आपने तुड़वाया ही नहीं, सरलता से समाधान कर दिया, तो आपको पूछेगा कौन? तो समस्या वहां है, बाबा जी में प्रॉब्लम नहीं हो, खिड़की दरवाजों में है प्रॉब्लम। जिस दिन तुड़वाने बंद हो जाएंगे, तोड़ने बंद हो जाएंगे, न जाने कितना इन ज्योतिष के, क्षमा करिएगा, कहीं वास्तु को भी मैं मानता हूं, हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि कभी भी सूर्य की तरफ मुंह कर करके मल और मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। अब मल मूत्र त्याग करने के लिए जब आदमी घर में भी शौचालय बनाएगा तो क्या है, आपको देखना है कि उसका जो बैठने का सीट है या तो उत्तर में हो या तो दक्षिण में हो, पूर्व और पश्चिम में ना होना चाहिए, क्योंकि वो उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये तो एक साइंस से समझ में आती है, सोने के लिए हमको उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा पूर्व पश्चिम का जो ध्यान रखना है, दरवाजों का ध्यान, ये बेसिक चीजें। मैं वास्तु का भी विरोधी नहीं हूं, परंतु उसके नाम पर जब अति होने लगता है, जब हम उसको भय बना करके और उसको समाधान की जगह हम स्वयं उसको एक समस्या के रूप में लेकर के जाते हैं, तो बड़ी बात होने लगती है। बात यह है, और इसको बचाने का काम भी आप ही लोग करेंगे। एक बात यह भी सुन लेना, यदि हमारी विधाओं को लेकर के कोई प्रश्न उठाता है तो उसका समाधान करने के लिए दूसरी दुनिया से कोई आदमी नहीं आएगा, उसका समाधान भी आपको बनना होगा। और यदि आप समाधान नहीं बन सके, मैं हमेशा यह बात अपने संस्थान में कहता हूं, हर बात पर बात कहता हूं, दुनिया में यदि हम समाधान नहीं बन सके तो समझ लेना हम ही समस्या है, फिर हमें प्रॉब्लम है। तो ये हमको तय करना है, ठीक है। हाँ, सबकी सभी विधाओं में देखो थोड़ी बहुत कला आती है तो गुजारा तो हो ही जाता है, पर उस विधा की और परंपरा की बात है। आपने कही, मेरे को अच्छा लगा, हमारे विसी साहब ने कहा कि यहाँ पर एक ज्योतिष प्रारंभ कर देते हैं विद्यालय पाठ्यक्रम में, अपने विश्वविद्यालय में, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि ज्योतिष के लिए अनुसंधान का काम नहीं होना चाहिए। अभी आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में, मैं आपसे पूछता हूं, और वो ज्योतिष के कुछ विधाओं के ऊपर अनुसंधान का काम हम शुरू करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास आज
आयुर्वेद को लेकर के मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, गुड न्यूज भी है, नेचर इंटरनेशनल जनरल में टॉप लेवल का जनरल माना जाता है। अभी हमारा एक पेपर अभी एक्सेप्ट हुआ, आयुर्वेद का वो पहला पेपर है। उससे पहले सिर्फ एक पेपर छपा था पंचकर्म के ऊपर, नेशन में आज तक एक आयुर्वेद का पेपर नहीं छपा। इसी तरह से स्प्रिंगर में भी अभी हमारे 3 पेपर एक्सेप्ट हो गए। हम हाई इंपैक्ट के वर्ल्ड लेवल के जनरल की बात करते हैं। देखो दो बात, दूसरी बात समझिए आप, हम कितने भी अपने गीत गाए, मैं आयुर्वेद वालों को भी कहता हूं, जब हम आयुर्वेद के इतिहास पढ़ते हैं तो आयुर्वेद के इतिहास क्या लिखा होता है, जब बच्चे पढ़ते हैं तो वहां लिखा होता है कि आयुर्वेद का इतिहास। अच्छा, आयुर्वेद की इतिहास तो ठीक है, वो क्या लिखा होता है कि स्वयं शाश्वत निर्देश्यते अनादित्वात, मतलब हम वहां से शुरू होते हैं कि यह आयुर्वेद शाश्वत है, नित्य है और अनादि है। ये हम कहते हैं ना, पर दुनिया तो नहीं मानती है ये बात, तो हिंदुस्तान में भी नहीं मानते। सिद्धा वाले कहते हैं कि सिद्धा से ये चिकित्सा की परंपरा शुरू हो गई, यूनानी वाले कहते हैं हमारी अलग तरह से शुरू हो गई, थोड़ा सा हिमालय क्षेत्र में जाओ स्वारंपा है, वो कहते हैं हमारी अलग तरह से शुरू हुई। तो हम अपने आप को मानना मनाना अलग बात है, पर दुनिया को मनाना अलग बात है। जब हमारे पास ऋषियों की कृपा से हम उस विधा और परंपरा से जुड़े हैं तो हम स्वयं मानने पर ही संतुष्ट न रह जाएं, दुनिया को मनाने के लिए काम करें। और आज एक बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर यदि हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो दुनिया के लोगों को मानने के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा। तो हम उसको उस रूप में भी ठीक है कि हम जो हमारे पास आता है हम उसको सिद्ध कर देते हैं। भाई हमारे पास बहुत सारे हमारे वैद्य लोग थे, बड़े निष्णात हैं, बड़े योग्य हैं, अभी भी हैं। रोगी आता है, कैसा भी रोगी हो, दवाई दे देते हैं, ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। पर वो उसके लिए तो प्रमाण है, जो ठीक हो गया उसको पता है मैं बीमार था ठीक हो गया, उसके परिवार वालों के लिए भी प्रमाण है वो, पर वो दुनिया के लिए प्रमाण नहीं है। क्षमा करिएगा, लोग कहेंगे भगत होगा, गया होगा, पेट में कैंसर नहीं, थोड़ा बहुत पेट दर्द हो गया होगा, ठीक हो गया होगा। इसी तरह से ज्योतिष आदि की विधाओं में भी जब आदमी जाता है या कुछ उसको लाभ मिलता है, कुछ होता है, तो उसको ये कहेंगे कि इसको तो भरोसा है, विश्वास है, ऐसा है, पर वो उसके लिए आप प्रमाण हो सकते हैं, पर वैश्विक स्तर प्रमाण नहीं हो सकता। उसको प्रमाणित करने के लिए अनुसंधान ही एक ऐसा साधन है, वह क्योंकि हमारी विधाएं, हमारी परंपराएं वो वैज्ञानिक हैं, तो अनुसंधान उस विज्ञान को सिद्ध करने के लिए सक्षम है। सिर्फ और सिर्फ मैं उसको यदि मॉडर्न साइंस की भाषा में कहूँ तो उसको हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कह सकते हैं। विधा भी है, परिणाम भी है, दोनों चीजें हैं। विद्या भी है, विद्या का परिणाम भी है। करना क्या है, एक फ्रेम के अंदर डाल करके निकालना है, उतना ही डॉक्यूमेंटेशन है, तो उस काम को करने में भी हम हेल्प करेंगे। तो इसीलिए हमको ये जितने भी जो विधाएं हैं, इन विधाओं के नाम पर जो भय, भ्रम, डर या कहीं ना कहीं हमें अंधविश्वास, पाखंड की ओर बढ़ाया जाता है, उनको रोकने का कार्य भी हमको करना होगा। क्योंकि नहीं तो ये विधाएं, ये विद्याएं, ये परंपराएं, ज्योतिष जैसा उदात्त और दिव्य परंपरा खंडित न हो, विखंडित न हो, बदनाम न हो, इसको कौन संभालेगा, इसको कौन रोकेगा? तो ये रोकने का काम भी हमको ही करना होगा। तो ये सारी जो विधाएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, उनका संरक्षण करना, संवर्धन करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, वो आप और हम सब का काम है। हम भी उसके लिए आपके साथ हैं। बात इतनी ही है कि स्वामी जी के प्रति, जैसे हमने कहा, हम लोग क्योंकि मैं वैदिक परंपरा का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने भी गुरुकुल में पढ़ा है, स्वामी जी ने भी गुरुकुल में पढ़ा है, और ऋषि दयानंद ने भी ज्योतिष का खंडन नहीं किया, उन्होंने जैसे जन्मपत्री आदि में फलित के आधार पर उन्होंने खंडन किया। कारण इसलिए था, वो खंडन भी किस क्यों कारण से किया, क्योंकि आदमी जब किसी भी चीज़ की बहुत, जैसे कहते हैं ना कि वो वहम की स्थिति तक जाए, वो खतरनाक हो जाती चीज़ें, कोई भी, चाहे विज्ञान हो, साइंस हो, कुछ भी हो, अति जो बहम की स्थिति, हम विज्ञान की स्थिति तक जितने भी गहराई में जाएं कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास भी आ जाते हैं। अब तो खैर लोग टीवी में शक्ल देख देख करके जानते हैं, नहीं तो प्रायः क्या होता है, कहीं पे बैठ जाओ पंडित जी, अच्छा उनको पता है ऐसे घूमते हैं धोती में, पंडित जी जरा हाथ देख के बताओ, तुरंत हाथ आगे कर देंगे, मान लीजिए। क्योंकि लोगों की मानसिकता क्या होती है, आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, उसको पता है कि उसने सुबेरे क्या खाया था, उसको पता नहीं है,
अब उसको चाहे उसको बताने के लिए हमको 5 मिनट ताकत लगानी पड़े पूरी, जो जो उसको 1 सेकंड पे बिना ताकत लगाए पता है, पर वो चाहेगा कि हम बताएं उसको। हाँ बोले मेरे कितने बच्चे हैं, अरे जितने तने पैदा करे उतने ही होंगे। हाँ आदमी जो है ये फिजूल की बातें हैं, क्षमा करिएगा भाई, जिसका मुझे बोध है, अब कर्म कुकर्म तू करता है, पूछता हमसे है, अपने कर्म सुधार लेना। तो वो इन विजुअल के चीजों में जब ऊर्जा खत्म होने लगती है और उसमें हम सम्मिलित हो जाते हैं तो खतरनाक हो जाता है। हम उससे बियॉन्ड जो तेरे को पता नहीं मैं वो बताऊंगा और वो करूंगा, वो मेरी विद्या का सामर्थ्य है, हम उसके लिए काम करें। विद्या का उपहास ना हो, विद्या मजाक बन करके न रह जाए, जादू टोना टोटका हमारा काम नहीं है, ज्योतिष सब कुछ आश्रित है उसके अंदर, ये पूरी धरा सब कुछ उसके अंदर आश्रित है। आप उतने बड़े विधा के प्रतिनिधित्व करते हैं, ये आपको बोध होना चाहिए। तो उस विद्या की संरक्षण करने के लिए आप उद्यत होंगे, आपको पीड़ा होगी, आपको दर्द होगा, तो कोई ज्योतिष के ऊपर कोई कटाक्ष करे या ज्योतिष को लेकर के कोई बात करे, ज्योतिष की कटाक्ष नहीं है वो, ज्योतिष तो अखंड है, वह तो नित्य है, जब तक यह मानव जीवन है जब तक यह सृष्टि है ज्योतिष तो रहना ही है, कोई माने या न माने विद्या खत्म समाप्त नहीं होती है, खंडित नहीं होती वो, अखंड है वो। परंतु उसके अंदर जो लोग धूल से कलुषित कर देते हैं उसको हटाने का काम भी हमको करना होगा, बस चिंता इतनी ही है। तो आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्रणाम वंदन। तो निश्चिंत रहिए, लगिए अब क्या करूं, शनि मैं बता रहा हूं, कनखल से मैं जाते जाते पतंजलि में 4 शनि मंदिर पड़ते हैं, मैं कनखल में रहता हूं, पतंजलि में जाता हूं डेली, अब मैं ये देखता रहता हूं। अच्छा शनि जी के लिए भी अब छोटी सी बात, वहीं पर ही मैं आता हूं। अब ये भी बड़ी देखो, ज्योतिष के हिसाब से ग्रहों का प्रभाव देह में पड़ता है, परंतु उस प्रभाव के नाम पर यदि हमारी पूरी दुकान ही चलने लगे तो खतरनाक हो जाता है। बस ये समझ लीजिए आप, शनि जी के लिए मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूं कि इतने वहां पर, वो भी शनिवार को ही, ये भी मैं बता दूं शनि की उपासना के लिए, ये तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, वो उपासना के लिए समाधान के लिए, मुझे तो लगता है कि आप किसी भी दिन भी करते हैं तो बहुत ज्यादा, अब ज्योतिष के हिसाब से आप बताइएगा, मुझे तो नहीं लगता कि शनि महाराज की पूजा शुक्रवार को कर ले तो कोई हानि हो जाएगी क्या, या बताइएगा। तो बात यह है कि हम कहां तक ले जाना चाहते हैं अपनी परंपरा को, कहां तक अपनी विधा को पहुंचाना चाहते हैं। हमने तो देखा था, मैं सनातन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं, मेरे यहां मेरी माताएं हमारे ग्रह नक्षत्र ग्रहों को उतारती रहती थी, होते रहते थे हमारे नवग्रह शांति की पूजा होता था, कभी शनिवार देख करके तो नहीं उतारा, मुझे तो ये पता है, और बड़े बड़े विद्वान पंडित आते थे। तो ये हमको सोचने की आवश्यकता है, उन गहराइयों में जाने की जरूरत है। तो बस इतना कर पाएंगे तो हमारी विधा की रक्षा हम स्वयं करेंगे भी और दुनिया को भी बता सकेंगे कि हमारे में बहुत दम है और तुमको नाक रगड़ करके मानना पड़ेगा, ये काम हम ही करा सकते हैं। तो साथ मिलकर के आप करिए। तो पुनः मैं आप सबको बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।